नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं प्रशांत। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला पुणे में खेला गया और टीम इंडिया ने बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर ओडीआई सीरीज जीत ली। आपको बता दें, इससे पहले टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज और उसके बाद T20 और अब फिर ओडीआई सीरीज अपने नाम कर इंग्लैंड का पूरी तरीके से सीरीज में सफाया कर दिया। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे टीम इंडिया के उन 5 हीरोज के बारे में जिनकी बदौलत टीम इंडिया ने इस सीरीज पर कब्जा जमाया है। टीम इंडिया के पहले हीरो रहे शिखर धवन। जी हाँ, इस पूरी ओडीआई सीरीज के दौरान शिखर धवन शानदार फॉर्म में नजर आए। पहले ओडीआई में 98 रन, हालांकि दूसरे वनडे में उनका पल्ला नहीं चला था, लेकिन एक बार फिर तीसरे ओडीआई में उन्होंने टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलाई और 67 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया को 103 रन पहले विकेट के लिए शुरुआत देने में शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने शानदार भूमिका निभाई थी। एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था शिखर धवन ने। मैच के दूसरे हीरो रहे ऋषभ पंत। जी हाँ, इस ओडीआई सीरीज में उन्हें 2 मुकाबले खेलने को मिले और दोनों ही मुकाबले में उन्होंने शानदार पारी खेली। इस मुकाबले में उन्होंने अपने ओडीआई करियर की बेस्ट पारी खेली, 78 रन उन्होंने बनाए और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। दूसरे ओडीआई में जहां 7 छक्के ठोके थे, वहीं इस पारी की बात करें तो उन्हें 4 छक्के ठोके और 5 चौके लगाए। उन्होंने 62 गेंदों पर 78 रन बनाए और हार्दिक पांड्या के साथ एक 99 रनों की साझेदारी कर 5वीं विकेट के लिए साझेदारी हुई थी, जिससे टीम का जो स्कोर है वो 300 के पार पहुंचने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैच के तीसरे हीरो रहे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने ना सिर्फ बल्ले से उसके बाद गेंद से भी कमाल दिखाया। पहले उन्होंने बल्ले से 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के लगाए और उसके बाद जब गेंद हाथ में आई, शुरुआत के 2 ODI मैचेस में उतनी गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन आखिरी के ODI मैच में उन्होंने गेंदबाजी की, 9 ओवर में 48 रन दिए और सबसे निर्णायक 49वां ओवर भी हार्दिक पांड्या ने ही फेंका था। मैच के चौथे हीरो रहे शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हासिल किए। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर ने 10 ओवर की गेंदबाजी में 67 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए। उन्होंने कई बड़े खिलाड़ियों को इस मुकाबले में आउट किया। हालांकि उनका 10वां ओवर थोड़ा सा महंगा साबित जरूर रहा था। सैम करन ने कुछ रन निकाले थे उनके ओवर में, हालांकि फिर भी उन्होंने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की और मिडिल ऑर्डर को इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को आउट करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा मैच के 5वें और अंतिम हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, भुवनेश्वर कुमार T20 सीरीज के बाद ODI सीरीज में भी अपनी फॉर्म को हासिल करने में कामयाब रहे और एक अहम मुकाबले में टीम इंडिया को जो शुरुआत दिलानी थी वो भुवनेश्वर कुमार ने दिले। पहले ही ओवर में जेसन रॉय का विकेट निकाला, उसके बाद फिर धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले जॉनी बेयरस्टो का भी विकेट निकाला और उसके बाद अंतिम ओवरों में आया और एक और बड़ा विकेट निकालकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। इसके अलावा अन्य और भी लोग थे जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे टी नटराजन, जिन्होंने आखिरी ओवर फेंका और टीम इंडिया को जीत दिलाने में मदद की। तो ये थे टीम इंडिया के वो हीरोज जिनकी बदौलत टीम इंडिया ने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की और शानदार अंदाज में इस पूरी दौरे का अंत किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।